कैंपेन तो मैं ये पिछले 2 3 4 दिनों से कर रहा हूँ। कल हमने रैली के जो है निकालने की का ऐलान किया था, लेकिन सारा यहाँ आपने देखा कि किस तरह से पुलिस आ गई और किस तरह से मुहासरा कर लिया, और फिर मुझे कहा गया कि जी रैली निकालने की आपको इजाजत नहीं। मैंने कहा कि ये जो मुस्लिम लीग नून वाले जो रोज रैलियां निकाल रहे हैं और सारा टंबर इनका रैलियां निकाल रहा है, और इसी तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो है वो भी रैलियां निकाल रही है, जलसे भी कर रही है, उन पर कोई और कानून पाकिस्तान का लागू होता है, इतलाक होता है, तो वो अपना बेबसी का इजहार करते हुए कहने लगे कि इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके पीछे वाली गाड़ियां जो है पर जो कुछ होगा फिर हमें आप गिलाना, आप हकूमत में जब होंगे तो जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, अब जो हकूमत में है वो जो कह रहे हैं हम वो कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये केयर टेकर जो चेयर टेकर है शर्म आनी चाहिए। मैंने इलेक्शन कमीशन को भी ये चीजें लिख के भेजी हैं, आज भी मेरा जो है एसोसिएट वहाँ जो है एडवोकेट जुबैर सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जाके इलेक्शन कमीशन में आज भी दर्ज करवा के आए हैं कि ये इस किस्म की जो है हरकतें, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है जो आप जिसको कह रहे हैं। फिर यहाँ से इन्होंने हल्के से मेरे डिफेंस का जो वोटर है 50,000 वोटर है, क्योंकि दूसरे फरीक को पता है कि ये उनको बुरी तरह यहाँ से मार पड़ रही है, पढ़ा लिखा ये वोटर है, पढ़ा लिखा वोटर जो है वो तशखीस और तमीज भी करता है, और वैसे भी इमरान खान लोगों की दिलों की धड़कन है और बहुत ज्यादा गम गुस्सा और नफरत है ये पिंक पार्टी के खिलाफ, तो वो इसके जो है वो मैंने इसके बारे में भी किया है कि इन्होंने हमारा वोटर जो है डिफेंस का उठा के इन्होंने बाहर फेंक दिया है, उनकी पोलिंग स्टेशन जो है बदल दी है, हालांकि पोलिंग स्टेशन हमेशा डिफेंस के 50,000 वोटर के हमेशा डिफेंस के अंदर रहे, डिफेंस के अंदर स्कूल मौजूद है, यहाँ पोलिंग होती रही है, यहाँ पोलिंग बूथ भी बड़े आराम से बनते हैं, लेकिन क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको डिसफ्रेंचाइज किया जाए, अगर ये वोट माने रहे वोट ना पास कर पाए तो इनको बाहर किसी को चरण में फेंक जाए, किसी को 15 मील 16 मील दूर उनके पोलिंग स्टेशन फोकस कर दिए बना दिए, ताकि ये पोलिंग स्टेशन ढूंढते रहे और उसके बाद जो है हार के वापस आ जाए। इसलिए कि इतने ही तो जाहिर है कोई भी कष्ट नहीं काटता है कि वो पोलिंग ही सारा दिन ढूंढता रहे, और खुशीजन जो डिफेंस का जो रहने वाला है वो आपको पता ही है एक लाइफ स्टाइल उसका जो है वो बाकी मुख्तलिफ है जो कच्ची आबादियों के या दूसरे लोग, तो इसलिए उसकी भी हमने शिकायत की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, रिटर्निंग ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को, सिवाई इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी। तो खायफ तो ये मुझसे ज्यादा ये कैबिन नंबर 804 से है जिनका मैं उम्मीदवार हूँ यहाँ, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर ये इमरान खान का हलका है ये, और इमरान खान के हलके से मुझे इसलिए नामजद किया गया है कि मैं सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हूँ, और खान साहब ने मुझसे ये एतमाद किया है कि उन्होंने अपना हलका मुझे दिया है, तो ये बुनियादी तौर पर ये शायद कैबिन नंबर 804 से वो जेल से भी इनको हांक सकता है, और इतना इनको हौस है उससे कि ये हमें रैलियां नहीं निकालने देते, हमें ये जलसे नहीं करने देते, वरना इनके जो जलसे हैं वो जलसियां नजर आए अगर हमें निकल देते, हमें एक दफा ये रैली निकालने में तो आप देखें कि जमने रफी लाइन है उनकी पूरा डिफेंस जो है निकल आएगा, कैंटोनमेंट निकल आएगा और पूरी आवाम निकल आएगी, तो ये उस चीज से खौफ खाते हुए ये हमें निकलने नहीं दे रहे। और खोसा सर ये बताइएगा ये दफा 144 लगा दी गई है, पीटीआई के कैंडिडेटों को संडे के रोज बाहर निकलने का कहा गया था, ये दफा 144 उसके बरक्स लगाई गई है तो या वैसे जानबूझ के लगा दी गई है? सबको समझ आ रही है, तब तो समझ आ रही है कि ये हमारे लिए लगाई है, मेरे उस रैली के बाद ये लगाई गई है, जब ऐलान हुआ तेजी रैली का, ये इसका इतलाक जो है जिन्हें सुबहानी जो चौथी मरतबा माशाला
लाए गए हैं ताज पोशी के लिए, उनके किसी बच्चे के लिए नहीं है, ना उनके किसी उम्मीदवार के लिए है, और ना ही जो है आपका बीबुक बाजी किसी रैली के या उसके लिए है। तो ये जो मर्जी कर, जो मर्जी कर, आप यकीन करें कि जब इन्होंने ये रैली हमारी को ना करने दिया तो हम दोनों की शक्ल में गए, बाजारों में गए, हम जो है वॉल्टन में गए, हम बाकी इलाकों में गए। लोग कहते थे आप न भी आते तो हम आपको वोट दे रहे, हमारा वोट कौन का वोट है, आप सर्वे करवा ले, आज आप 100 बंदे का करें, 90 से ज्यादा बंदा आपको कहेगा कि खान का वोट है। कोई कहेगा कैदी नगर आपके साथ, कोई कहेगा ना मधु अल्लाह, तो कोई जो है वो उनकी तशबीह देता है तो डायरेक्ट नाम ले सकता है। दुनिया खौफ फैला ले, इलेक्शन वाले दिन जब निकलेगा वोटर तो वो आप देखेंगे कि इमरान खान के नाम जब उम्मीदवार को सिंबल है उस पर लगाएगा, और मेरा सिंबल है के फॉर खान इमरान खान, और के फॉर किंग किंग खान, और के फॉर खोसा, और ये है अलमतों का जो है माशाल्लाह निशान, जिस पर लोग मोहरें भी लगाएंगे और लोग इंशाल्लाह मैसम भी जिताएंगे, और जो कहते थे कि लाहौर हमारा है उनको पता चल जाएगा लाहौर किसका है और पाकिस्तान किसका है। तो पीटीए के कैंडिडेट के बारे में ये कहा जा रहा है कि जीतने के बाद कोई आईपीपी में चला जाएगा, कोई पीपल पार्टी में चला जाएगा, इसके बारे में आप ही कह रहे हैं। ये कुछ फहमियां और इस किस्म की अफवाहें फैलाने में उनको खुश होने देने, लेकिन आपको पता ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हैसियत पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से बैन नहीं की गई, न कर सकती थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये आइन में आर्टिकल 17 के तहत रेफरेंस होती है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, जो ऐसा कभी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ हमारा सिंबल ले लिया हमसे, वो भी हम हंस के कहते हैं यार हसी से एक बल्ला मंगल गया था, इन्होंने पूरी बरात जानी में इसकी साजू चारा दी, इन्होंने दूसरे भी देखते, इन्होंने फलानी भी देखते, इन्होंने पिंटिया दरवाजे भी देखते, जाली भी देखते, केतलियां भी देखती हैं, हम हंसते हैं कि इन्होंने पूरा जहर का सामान ही हमें दे दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि हर एक को पता चल जाए, और ये जो हमारे सिंबल पर जीतेगा उसको 3 दिन के अंदर हम बाकायदा पीटीआई ज्वाइन करेंगे, बाकायदा पीटीआई ज्वाइन करेंगे, और हमें जो 230 हमारी मखलूस किस्म है वो भी उसी अदबी तादाद के हिसाब से हमें मयसर आ जाएगी, मिलेंगी। इसीलिए हम खवातीन को जो है बीजेपी छोटे पर भी ले लेंगे, और जो हमारी अकलियत की विशेषते हैं उस पर भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही में ले लेंगे। तो इसलिए ये कहना कि कोई आईसी दे जाएगा तो कोई इधर गिरेगा तो कोई इधर गिरेगा, वो हमारा हो चुका है। आज कम जहाँ पा वो जो डेपुटेशन पर आए थे वो अपने ट्रेन डिपार्टमेंट में चले गए थे, वो चोगा खाने वाले जिनको जहाँ से चोगा मिलता था वो चले गए, हमारा पास हो गई हमारी पार्टी उन लोगों से जो हमेशा टिकते टिकते और कहीं ना ठहरने वाली नस्ल थी वो नापैद हो गई। आज खान ने पीपल्स पॉलिटिक्स की बुनियाद रख दी है, पीपल्स पॉलिटिक्स में कोई ऐसा करेगा, कोई ऐसा करेगा तो उसको वो घर में नहीं दाखिल हो सकेगा, अपने घर में दोबारा 5 साल वो अपने घर को नहीं रह सकेगा, और जो लोटे होकर गए उनकी आप देख लेंगे जमानतें जब्त होगी आईसीसी वालों की, या वो जो खटक साहब की जो सो कॉल पार्लियामेंटेरियन बनाई है ये पता जाएगा इस 8 फरवरी 2024 को, और बल्कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब किस तरह परवाज लेकर जाते हुए आप सुनेंगे कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, ये कहते हुए चीज को मैं वापस चलूंगा। सर ये चाहिएगा जो कह रहे हैं कि हमारी डल हो गई है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो तो अगर पीडीएम की तरह से हुकूमत बना भी दी जाती है क्या वो माशी मिसाल हल कर लेगी। देखो इन्होंने इतना उलझा दिया है इस मुल्क को, तो मखाकम बजहन इन्होंने मुल्क
کو داؤ پر لگا کر ایک شخص عمران خان کو انہوں نے جو ہے مائنس کرنے کے لیے اور اس کی جماعت کو بتر بتر کرنے کے لیے انہوں نے ہر ادارے کو استعمال کیا, الیکشن کمیشن سے لے کے اعلیٰ عدلیہ سے لے کر ایڈمنسٹریشن سے لے کر ساروں کو انہوں نے ایسا جکڑ کے رکھ دیا ہے کہ اب کاری ہو گئے ہیں. تین نسلیں گرمی کر دی ہے اور ہمارا آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 3 لاکھ قرضے کے نیچے پیدا ہو رہا ہے. ہمارا برین ڈرین یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ باہر چھوڑ کے جا رہا ہے, ہمارا جو تجارت والا ہے وہ تاجر جو ہے وہ بھی ہمارا انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور وہ بھی باہر جا رہا ہے. رحم کر دے ملک پر, اب جو ہے جب تک جمہوری اس کے کام نہیں ہوگا پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, معاشی اس کے کام نہیں ہو سکتا, ملک نہیں چل سکتا. بس کر دیں گے رحم کریں, 10 کروڑ لوگ جو ہے غربت کی دہلیز سے پاکستان میں نیچے کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا جو ہے کہ یہ معاملات چل سکتے ہیں. اور جو یہ کہتے ہیں شادی چل رہی تو ان کا غربت آپ نے دیکھا ہے, جب جھنگ میں ایک ان کا امیدوار جو ہے اور اس کو ووٹ مانگے ہیں اور ووٹ میں جب انہوں نے کہا ہے ہم ووٹ نہیں دیں گے, ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے, اور اس نے کیا شادی چل ہو گئی ہے ووٹ نہیں چاہیے. پھر جو اس کا دربند بنائی عوام نے, ووٹ تو عوام نے دینا ہے. اب عوام اتنے شعوری طور پر اپنے حق کو جو ہے تسلیم کروائیں گے کہ جل ہو گئی ہے والے کو وہ مسترد کر کے پڑے باہر پھینک دیں گے, اور ان کا جو حال ہونے والا ہے آج گرمی کو وہ آپ دیکھ لیں گے. نمسکار جی. اور سر یہ لاسٹ کوشچن ہے, یہ بتائیے گا خواجہ صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں. خواجہ صاحب میرا برگزار ہے, وہ ایک گنجا ہوا ایک سیاستدان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چاہیے کہ ان چور ڈاکوؤں لٹیروں کا جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیں, جو چوتھی مرتبہ پھر دھرتی مار کر لوٹنے کے لیے آگے ہیں, اور جو ہمیشہ ڈل ہو گئی ہے والوں کے کندھے پر چڑھ کے آتے ہیں. اس کو ایک سیاسی ورکر ہے, وہ سب بھاپ کے ایک سیاسی ورکر تھا. میں اس کو یہی پیغام دوں گا کہ خدا رہا جمہوریت کو جو ہے دفن مت کرو, جمہوریت کو جو ہے اپناؤ اور ان چوروں ڈاکوؤں کا ساتھ چھوڑ دو اور ملک کی سوچو. دھرتی ماں رس رہی ہے, خون نکل رہا ہے, اس کو مت نچوڑنے دو ان کے پیچھے جن کے پیچھے آپ تاج پوشی کروانے کے لیے دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ پھر دھرتی ماں کو لوٹ کر اور کاتم بدہن بکھیر کر پھر چلے جائیں گے, کیونکہ ان کی ساری وابستگیاں لندن سے اور باہر سے, ان کے بچے وہاں باہر ہیں, ان کی اولادیں, ان کے کاروبار, ان کے ایسٹ, ان کی پراپرٹی, یہ تو چلے جائیں گے. تم ایک مخلص سیاسی کارکن ہو, اپنے باپ کے نام کی لاج رکھو اور جمہوریت کو دفن پاتے ہونے دو, ان کا ساتھ چھوڑ دو. شکریہ.